Hello viewers, assalamu alaikum. Munim Akhtar again with a new option which is insert Excel sheet in PowerPoint. जी नाज़रीन, आप लोग अक्सर जो है वो प्रॉब्लम फील करते हैं कि जब आप लोग किसी भी MS Office की एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो सपोज आप लोग वर्ड में एक्सेल की शीट या एक्सेल में वर्ड की फाइल जो है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं हाउ यू कैन add Excel sheet in a PowerPoint. You want to show down the annual sales summary to the higher authority. इस वक्त आपको ये काम जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपके पास MS PowerPoint में डायरेक्टली एज सच कोई मेथड नहीं. Sometimes you want to include the data like Excel sheet वर्ड फाइल इन ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा, कि आप लोग ये जो है वर्ड में पावर पॉइंट ऐड कर सकते हैं या एक्सेल ऐड कर सकते हैं या एक्सेल में आप लोग पावर पॉइंट ऐड कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल मेथड टू डू डिपेंडिंग ऑन वेदर आर नॉट यू वांट टू मेंटेन अ कनेक्शन विद द सोर्स एक्सेल शीट्स. हाउ यू कैन यूज, इसमें आपके पास नॉर्मली जो है वो तीन स्टेप्स रिजाइड कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप्स में क्या है कि आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की ऑप्शन पे चले जाना है और जैसी ऑब्जेक्ट की ऑप्शन या ऑब्जेक्टिव विंडो आएगी उसमें से आपने क्रिएट फॉर्म डायरेक्टली आप लोग जो है एक नए ऑब्जेक्ट जो है उसमें ऐड भी कर सकते. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फेलोज. जी व्यूअर्स, अब प्रैक्टिकल वर्क को देखते हैं. तो सपोज हमारे पास ये MS PowerPoint में जो हमारे पास एक फाइल ओपन है, अब यहाँ पर हम लोग एक्सेल की शीट को जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल की फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने माउस से इंसर्ट की जो टैब है या इंसर्ट के मेन्यू, उस पर आपने क्लिक कर देना है और आपके पास एक रिबन अपेयर हो जाएगा. आपने अपने माउस को राइट साइड पर लेकर आना है और आपके पास ये देखें टेक्स्ट का एक ग्रुप है, उसमें ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है. जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी. सपोज मैंने इस पर क्लिक किया है, आप स्क्रोल डाउन से अपने वर्कशीट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट. ठीक है, हम क्लिक करने जा रहा हूँ, ओके कर देना है आपने. हैव अ लुक. तो अब देखिए, सपोज मैं यहाँ पर कोई भी फार्मूला टाइप, सपोज मैं कुछ डाटा राइट डाउन करता हूँ, अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वही एक्सेल का जो है वो सम का फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल सम. आपने उन सेल को सिलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली आपके पास वो डाटा ऐड हो गया. अब इसको आप लोग फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लें, आप इसमें डाटा लिखते जाएं तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें जो है वो consecutively जो है वो ऐड होती जाएंगी. तो दिस इज कॉल्ड इंसर्ट एक्सेल शीट इन अ पावर पॉइंट and vice versa. Don't forget to subscribe and share the videos with your fellows.